नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय माँ भवानी। साथियों, आज हम चलते हैं सिद्ध बाबा जी के दर्शन करने के लिए। साथियों, भोलेनाथ महादेव, देवों के देव महादेव, इनके दर्शन करने चलते हैं। तो चलिए, आप सभी को हम दर्शन करवाते हैं। हम अतरौली संडिला मार्ग पर पहुंच चुके हैं और अब हम चलते हैं। ये पीछे हमारे देख रहे हैं, ये संडिला मार्ग गया है और ये अतरौली मार्ग गया है। तो हमको अब अतरौली मार्ग पर चलना है, तो चलिए चलते हैं। साथियों, अब हम अतरौली चौराहे पर आ चुके हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं देवों के देव महादेव जी के धाम, सिद्ध बाबा जी की नगरी। साथियों, बहुत ही जल्द अब हम सिद्ध बाबा जी के धाम पहुंचने ही वाले हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये नदी की तलहटी है, किनारा है। तो अभी हम पहुँचने जा रहे हैं सिद्ध बाबा जी के धाम। साथियों, अब हम पहुँचने वाले हैं सिद्ध बाबा जी के धाम। बस कुछ ही दूर पर है सिद्ध बाबा जी का धाम। साथियों, आप लोग देख सकते हैं, यह सिद्ध बाबा जी का धाम है और बस हम लोग बस कुछ ही मिनट में पहुंच रहे हैं। आप सभी लोग सीताराम जी की ध्वनि सुन रहे होंगे। ये सिद्ध बाबा जी के धाम में सीताराम का जाप चल रहा है और अब हम गेट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चलिए, अब अपनी हम बाइक खड़ी करते हैं, पर चलते हैं। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं भोलेनाथ जी के दिव्य स्थान सिद्धनाथ बाबा जी के धाम पर। तो आइए, अब आप सभी को हम यहाँ पर भोलेनाथ बाबा जी के दर्शन करवाते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर आगे रसोईघर, यहाँ पर शायद प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है। चलिए, आप सभी को हम दिखाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है और ये देखिए, यहाँ पर काफी दूर दूर से श्रद्धालु गण आ रहे हैं, जो भजन कीर्तन वगैरह नाच गाना यहाँ पर होता है। तो चलो, अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा भोलेनाथ जी के दिव्य दर्शन करवाने के लिए। आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई हैं। अभी ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अखंड पाठ भी चल रहा है। अब हम आप सभी को सिद्ध बाबा जी के दर्शन करवाने ले चल रहे हैं। ये गेट बना हुआ है सिद्ध बाबा जी का। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब हम नीचे चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और अब हम आ चुके हैं बाबा भोलेनाथ जी के दिव्य धाम सिद्धनाथ बाबा जी के धाम। ये काफी प्राचीन वट वृक्ष है।
काफी दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। यह सिद्ध बाबा जी का दिव्य धाम है। और आप सभी लोग देख सकते हैं ये गोमती मैया जी का किनारा है, शायद देख पा रहे हो, ये गोमती नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ से। और आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वट वृक्ष में छोटी छोटी सी पन्नी के गांठ बंधी हुई हैं। लोगों की मान्यताएं हैं कि अगर कोई कुछ प्रभु से मांगता है तो यहाँ पर एक गांठ बांध देता है और उसकी जब मान्यता पूर्ण हो जाती है तो उसको यहाँ पर आकर खोल देता है। बहुत से भक्तों की यहाँ पर गांठें बंधी हुई हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। साथ में यहाँ पर अखंड पाठ भी चल रहा है। शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीता अपनी पुकारत सति उत्तयाना नाम धरु विदु सम्मान सति उत्तयान बंधु बल वीरा या पुताप पूज नर धीरा तीन संग जुर। साथ में ये दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये आगे यहाँ पर सीताराम जी का जाप चल रहा है। ये रसोई घर है, यहाँ पर निरंतर प्रसाद वितरण चलता रहता है। यहाँ पर सीताराम जी का जाप चल रहा है। और ये द्वार है, यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। ये आप सभी लोग देख सकते हैं। साथियों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहीं पर मंदिर के नीचे का किनारा, जो कि नदी की तलहटी है गोमती मैया का। यहाँ पर जल प्रवाहित होता है और आप लोग देख सकते हैं ये किनारा कितना ही खूबसूरत है। झाड़ियाँ बनी हुई हैं। ऊंची नीचे जगहें हैं, बड़ा ही मनमोहक स्थान है यहाँ पर। ये बीहड़ जैसा लग रहा है।
साथियों आप सभी को बता दूं कि यह राजस्थान नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है और यहीं पर बाबा भोलेनाथ जी का एक बहुत ही पावन धाम है जो सिद्ध बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी आप लोगों ने सिद्ध बाबा जी के दिव्य दर्शन किए और अब आपको यहाँ के तलहटी के भी हम मुद्रे दिखा दें। अब हम आप सभी को लेकर चल रहे हैं नदी के किनारे। ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजस्थान पहुंच चुके हैं वहां के बिहार में। साथियों अब हम आप सभी को लेकर आ चुके हैं गोमते मैया के नदी के किनारे। अभी आप लोगों को हम यहाँ पर गोमती माता जी के दर्शन करवाते हैं, उनका पवित्र जल आप सभी को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं आ गए हम लोग गोमती मैया के नदी के किनारे। कितना पावन और पवित्र जल है, बड़ा ही निर्मल जल है। आप सभी लोग देख सकते हैं साथियों ये गोमती माता जी का निर्मल जल है और आप सभी लोग देख सकते हैं बिल्कुल स्वच्छ है। उस तरफ ये नाव है जो नाव से यात्री इधर से उधर जा रहे हैं। और ये नदी की धारा इधर से आ रही है और इस दिशा में प्रवाहित हो रही है।